हरियाणा के सराबा नगर स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल स्कूल की ओर से 148 विद्यार्थियों को अमेरिका के नासा में ले जाने के लिए टूर पैकेज जिसमें 2,80,000 की रकम विद्यार्थियों से ली गई, जिसमें ट्रैवल एजेंट भी शामिल है, लेकिन बच्चों से फीस लेने के बावजूद उनका वीजा रद्द कर दिया गया और उन्हें फीस नहीं वापस की गई, जिसको लेकर आज उनके माता पिता लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज करवाई है। स्कूल का ट्रिप लेके जाना सी, लेकिन अमन बाबा नाम के एक ट्रैवल एजेंट के नाल उन्होंने कंसर्न कर लिया। अमन बाबा ये ट्रिप नहीं लेके गया और जिन्नी अमाउंट सी सारे पेरेंट्स तो 2,80,000 रुपया उन्होंने ली पर स्टूडेंट के हिसाब के नाल, और सारे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया बच्चों का, तो स्कूल कोई स्कूल वालों पेरेंट्स नू कोई भी पैसा वापस नहीं मिले। वो कंप्लेंट इतने लांबा साहब के कोल आ गई आ, लांबा साहब उस कंप्लेंट का हल कर रहे हैं। अमन बाबे के अगेंस्ट सारे पेरेंट्स इतने इकट्ठे हुए थे, वो अगेंस्ट आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। ट्यूजडे तक का वादा होया कि ट्यूजडे तक कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, आप वेट कर रहे हैं। सर, एक आदमी का नाम ले, आप बता रहे हो भी इसने ऐसे किया, वो क्या स्कूल से ऑथराइज था या ऐसे स्कूल की तरफ से ऑथराइज था, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से ऑथराइज नहीं था। लेजर हॉलीडेज नाम का उसकी लेजर हॉलीडेज नाम की ट्रैवल एजेंसी है और उसी के साथ स्कूल का। सर, आपने पैसे स्कूल को दिए थे एजेंट को? स्कूल को, स्कूल को, ठीक है। और आप दोषी किसको मानते हैं, स्कूल को एजेंट को? फिलहाल अभी तक तो एजेंट ही है, स्कूल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल ने अभी उसके साथ जो कॉन्टैक्ट किया है, हो सकता है वो बंदा पैसे भी वापस कर दे। सर, स्कूल की भी कुछ बीच में कमीशन थी? नहीं, स्कूल की कोई कमीशन नहीं। कितने फुल पेरेंट्स हैं जो अफेक्टेड हैं? मोस्ट प्रोबली 160 के करीब। कितने के अमाउंट होगी सर जिसका? 4 करोड़ के आसपास। क्या उस बंदे के पास इसका लाइसेंस है बाहर ट्रिप जाने का? उसके ऑलरेडी नहीं, उसके पास सिर्फ टिकटिंग और वीजा कंसल्टेंसी का लाइसेंस है, बाकी और कोई लाइसेंस। कैसे वो आपने कैसे परमिशन आपको पहले स्कूल के बिहाफ पे हम लोगों ने यकीन करा था। सर, आपको लगता नहीं है कि एजेंट आप स्कूलों के थ्रू आपको पेरेंट्स को लूट रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल थोड़ा फंस गया है इस चक्कर में, क्योंकि वो बंदा पहले और तरह की बातें करता था, अब और तरह की कर रहा है। सर, आपको तो स्कूल ने ही इंट्रोड्यूस करवाया ना? हाँ, स्कूल ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आपने स्कूल के बिहाफ पे? हम स्कूल के बिहाफ पे ही देख रहे हैं। तो आपने स्कूल को आप कंप्लेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अभी ट्यूजडे तक वेट कर रहे हैं, अगर पैसे वापस मिल गए तो ठीक है, नहीं तो हम स्कूल को भी करेंगे। सर, बाहर जाने से पहले आपने फॉर्म तो फिल किए होंगे? करे थे। और स्कूल ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल, ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल, ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल। अभी करेंगे, अभी अभी तक कोई स्कूल के अगेंस्ट कुछ हुआ नहीं है, स्कूल भी उससे वापस पैसे मांग रहा है, अगर हो सकता है ट्यूजडे तक वो दे दे तो देखते हैं। सर, आप बोल दीजिए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈਗੇ। ਸਕੂਲ ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਏ ਸਕੂਲ ਸੇ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਆਪਨੇ ਰਿਟਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਵਰਬਲੀ ਉਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਰਿਟਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਰਿਟਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪਰ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਜੰਟ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਲਟ, ਸਾਹਿਦ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਕੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਕੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਸਟ ਆਪਕੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਆਪਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਹਾਰਟ ਕੋਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਏਜੰਟ ਕੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਕਿਤਨੇ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਇਸਮੇ ਅਰਾਊਂਡ 146 ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। अभी हमारे पास पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही है, उनको कन्वे कर दिया कि आपकी जो भी रेलेवेंट कंप्लेंट है, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं सीपी साहब के पास। इसके अलावा जो मैटर है उसके रिगार्डिंग हमारे पास सेक्रेड हार्ट स्कूल की तरफ से कंप्लेंट आई हुई है, जिसको हम परसू कर रहे हैं। और इसमें एक ट्रैवल एजेंट है जिसने स्कूल के बच्चों का टूर लेके जाना था नासा के लिए,
और वो वीज़ा नहीं लगवा पाया उन बच्चों का और टूर नहीं ले जा पाया, जिसके रिगार्डिंग जो पैसे उसने ट्रैवल एजेंट ने पेरेंट्स से लिए हैं वो वापस दिलाने के रिगार्डिंग हमारे पास कंप्लेंट है, वो हम परस्यू कर रहे हैं। उस जो ट्रैवल एजेंट है उसको बुलाया हुआ है, उसने कुछ पैसे इनको वापस दिए हैं, उसको वेरीफाई करके जो लीगल एक्शन होगा हम करेंगे। सर आपको लगता नहीं है कि आप एजेंट लोगों ने नया ढंग अपना लिया स्कूल के जरिए बच्चों को नाम लेकर, क्योंकि ये नवा ढंग फ्रॉड करने का निकाला? मुझे लगता नहीं है वाली कोई बात नहीं है इसमें, ये तो दिस इज अ फैक्ट, जो चल रहा है वो आपके सामने क्या है क्या नहीं है। तो ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ पहले भी आपको पता है कि लुधियाना पुलिस ने सबसे ज़्यादा कार्रवाई करी है, और हम लगभग 325 FIR जो इलीगल ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके खिलाफ कर चुके हैं, और आगे भी जितने इलीगल ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको हम रूटीन में चेक करवाते हैं। ये जो केस सामने आया इसमें भी जो लीगल एक्शन बनेगा वो हम करेंगे। सर क्या ये ट्रैवल एजेंट रजिस्टर्ड है? अभी तक की पड़ताल में ये ट्रैवल एजेंट ने कोई लाइसेंस हमारे पास प्रोड्यूस नहीं किया है, हमने इसको अपना लाइसेंस प्रोड्यूस करने के लिए बोला है, जो लाइसेंस प्रोड्यूस करेगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे आपको क्या इसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस है। सर इसमें स्कूल कहीं लगता नहीं है कि दोषी है, क्योंकि स्कूल के जरिए ही ये ट्रैवल एजेंट बच्चों के पेरेंट्स के संपर्क में आ गए, क्योंकि स्कूल को चाहिए वहां पर सपोर्ट कहीं ना कहीं पहले इस चीज की पूरी इंक्वायरी करना। इसमें स्कूल का रोल या और लोगों का रोल जो है वो हम ड्यूरिंग दी वेरिफिकेशन एग्जामिन करेंगे, अगर किसी का मेलाफाइड रोल है या नहीं है उसके हिसाब से फिर आगे। सर पेरेंट्स ने ब्लेम किया भी, बच्चे जो पेमेंट की हुई है वो स्कूल के फॉर्म फिल करने के बाद हमने दिए, ना कि हमें एजेंट को दिए। पेरेंट्स ने जो भी क्लेम किया उसके बारे में तो पेरेंट्स बता सकते हैं, मैं जो इंक्वायरी कर रहा हूँ जो वेरिफिकेशन है उसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया है। सर स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है? अगर किसी का रोल आता है जिसने अनड्यू एडवांटेज इस ट्रांजैक्शन के अंदर लिया है तो डेफिनेटली दे विल बी पनिश्ड। अगर किसी ने अनड्यू एडवांटेज लिया है या ट्रैवल एजेंट के साथ मिलकर ठगी के अंदर शामिल है तो जो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर हाल ही में विदेश मंत्रालय ने जो जारी किया लिस्ट, क्या उससे भी संबंध है मामले का कुछ? नहीं, उन जो विदेश मंत्रालय की जो लिस्ट है उसमें इस ट्रैवल एजेंट का नाम है, उनसे लिंक कुछ हो सकता है? नहीं, वो तो लिस्ट है, एक फैक्ट है, वो आपको लिस्ट दिखा दी हमने।